जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपकी अगर शिफ्ट नहीं हुई है तो आप इन सभी क्वेश्चंस को देख कर जाइएगा, यहां से आपके कई सारे क्वेश्चंस आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, कुछ प्रश्न आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन साथियों परेशान आपको नहीं होना है। एग्जाम से पहले अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में आपको बहुत फायदा मिलेगा इन क्वेश्चंस का। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि मयूर भंज हाथी अभ्यारण निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये कहां पर है साथियों? ये ओडिशा में है। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये साथियों 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस? तो ये साथियों 26 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रही कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? तो मैं कह सकता हूं कि झांसी में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, कहने के पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? साथियों मुझे बताइए। तो पीली क्रांति की अगर बात करते हैं साथियों, तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर साथियों हम यहां पर बात करते हैं क्या काली क्रांति की, क्योंकि ये चीजें आपसे साथियों पूछे जा सकती है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों काली क्रांति किससे संबंधित है, तो काली क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। किससे संबंधित है काली क्रांति? काली क्रांति साथियों पेट्रोलियम से संबंधित है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति जो है ना ये कृषि से संबंधित है। किससे साथियों? कृषि से संबंधित है। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं नीली क्रांति की, तो नीली क्रांति साथियों किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है। नीली क्रांति साथियों मछली से संबंधित है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम में है? तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? बिहार के सासाराम में। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखिए, अकबर के कौन से खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए तो आपको बता देना है कि अकबर नामा के तृतीय खंड को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, वेदों को भारत आर्य सभ्यता का प्रारंभिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और चौथा साथियों कौन सा है? तो चौथा अथर्ववेद आपका अगर जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि थुलाल जो है, थुलाल ये किस राज्य से संबंधित एक व्यंग्यात्मक नृत्य है? तो ये कहां किया जाता है? ये केरल में किया जाता है नृत्य, यानी कि थुलाल नृत्य कहां पर किया जाता है साथियों? केरल का ये नृत्य है, ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों हरियाणा की, तो आपसे पूछा जाएगा डाफ नृत्य कहां का है? क्या साथियों आपसे अगर पूछा जाए कि डाफ नृत्य कहां का है, तो हरियाणा का है। उसके अलावा एक और पूछा जाता है फाग नृत्य। क्या साथियों? अगर डाफ नृत्य आपसे पूछा जाए या फाग नृत्य पूछा जाए, तो आपको हरियाणा बता देना है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें साथियों, आपसे पूछा जाएगा चलो नृत्य। क्या आपसे पूछा जाएगा साथियों चलो नृत्य कहां का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। आपसे पूछा जाएगा वांचो नृत्य कहां का है? क्या साथियों? आपसे पूछा जाएगा वांचो नृत्य कहां का है? तो साथियों अरुणाचल प्रदेश का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों दशावतार ये कहां पर मनाया जाता है? तो साथियों दशावतार की अगर बात करते हैं, तो ये साथियों गोवा में मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और धनगर नृत्य कहां किया जाता है? क्या साथियों? धनगर नृत्य की अगर बात करें, तो ये भी साथियों गोवा में ही किया जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये साथियों मैदानी गंगा क्षेत्र का हिस्सा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि तंजानिया अफ्रीकी महाद्वीप के एक स्थान पर देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है? तो साथियों माउंट किलिमंजारो इसका नाम है। यानी कि तंजानिया अफ्रीकी महाद्वीप के एक स्थान पर देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत का नाम माउंट किलिमंजारो है। अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि किस राज्य में नव नामित रामसर स्थल नंदा झील स्थित? तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि नंदा झील कहां पर है साथियों, आपका राइट आंसर क्या होगा फटाफट साथियों मुझे यहां पर आप लोग बतला दीजिए।
तो आपको याद रखना है साथियों, रामसर स्थल जो नंदा झील है ना, ये गोवा में स्थित है। कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अब अगला सवाल है साथियों, कहा जा रहा है, देखिए सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस डिक्टो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा है साथियों, कह रहे कि किस राज्य सरकार ने ग्लोबल वार्मिंग की जांच के लिए अंडर टू कोएलिएशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं साथियों? पंजाब ने किए हैं, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए तो आपको साथियों 28 जुलाई बताना है। क्या बताना है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाई जाती है? तो अगर बात करते हैं साथियों IBRD की, तो यह संस्था आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व बैंक एक तरीके से कहीं ना कहीं कहलाई जाती है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीस यानी कि यूनान की राजधानी है? तो यूनान की राजधानी तो आपको मालूम होना चाहिए, एथेंस है, यूनान की राजधानी एथेंस है। उसके बाद देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये आप सभी लोगों को यहां पर क्या होना चाहिए साथियों? मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर अगर साथियों बात करें, देखिए झारखंड की अगर बात करते ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? क्या आपसे पूछा जाएगा दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो झारखंड में है। आपसे पूछा जाएगा साथियों बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? क्या अगर आपसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए तो झारखंड आपको बताना है, ठीक है ना। एक बहुत पूछा जाता है जो कि मणिपुर का है, आपसे पूछा जाएगा केबुल लामजाओ। क्या आपसे पूछा जाएगा साथियों केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो आपको पता क्या बताना है? मणिपुर आपको साथियों बता देना है। और अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? क्या नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए तो मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि वाराणसी भारत की धार्मिक राजधानी है जो उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो साथ उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत की धार्मिक राजधानी क्या है? वाराणसी है, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। कहां पर? उत्तरी भाग में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो मैं कहूंगा साथियों जो तस्मान सागर है, कौन सा सागर है? तस्मान सागर है ना साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। उसके बाद देखिए सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है, यह किसका उपग्रह है? तो ये साथियों शनि का उपग्रह। क्या अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि शनि का उपग्रह क्या है? तो टाइटन आपको बतला देना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शिक्षण संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो जब हम बात करते हैं साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर साथियों बात करते हैं तो ये आप लोग ध्यान रखें गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, यहां पर अगर साथियों बात करते हैं क्या आपसे पूछा जा रहा है, देखिए और बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.7। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। उसके बाद देखिए पांडवों के शिक्षक द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े थे? तो साथियों कौरवों की ओर से लड़े थे, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो अगर आपका जवाब पुष्यमित्र शुंग है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यानी कि पुष्यमित्र ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी, सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चले भाई जिन्होंने भी साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, आपके काम की है साथियों। देखिए एग्जाम से पहले पहले आपके लिए पीडीएफ तैयार की गई है। क्या आपके लिए साथियों पीडीएफ तैयार की गई है? कौन सी पीडीएफ है साथियों? अंतिम समय में ये पढ़ने वाली पीडीएफ है एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। तो अगर आपके समय में अभी कुछ घंटे हैं, कुछ समय है, कुछ दिन है, तो मैं कहूंगा साथियों सरसरी निगाहों से एक बार इस पीडीएफ को देखकर चले जाइएगा, आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। इसमें आपको साथियों 10 पेपर दिए जा रहे हैं, जैसे पेपर पूछे जा रहे हैं ना वैसे 10 पेपर हैं, और उसके अलावा 2024 की पूरी साथियों करंट अफेयर है। तो ये दोनों पीडीएफ आपको दी जा रही है सिर्फ 45 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस
लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको साथियों एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर साथियों 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना साथियों। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए यानी कि उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल ये कहां पर स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये प्रयागराज में स्थित है। कहां पर? तो जवाहर तारामंडल कहां पर है साथियों? प्रयागराज में है। उसके बाद देखिए किराने घराने की जब हम बात करते हैं तो किराना घराने का नाम निम्नलिखित में से किस शहर से लिया गया है? तो किराना घराने की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में एक शामली जिला है, तो इस शामली जिले से लिया गया है किराना घराने का नाम। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ उस्ताद अली अकबर खान का संबंध था? तो ये तो सरोद वादक थे, जो अली अकबर खान थे ना साथियों, ये सरोद वादक थे, आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है कि 1919 के रॉलेट एक्ट को एक्ट कहा जाता है, मैं कहूंगा साथियों काला कानून कहा जाता है, काला एक्ट कहा जाता है, ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए और अगर आपसे पूछे कि जब 1919 का रॉलेट एक्ट आया यानी कि काला कानून आया उस समय साथियों गवर्नर जनरल कौन थे, तो साथियों लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ये बहुत आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है? तो किसकी बात चल रही है साथियों, कौन सी अनुसूची की बात चल रही है? मैं कहूंगा छठी अनुसूची की बात चल रही है, जिनका भी आंसर यहां पर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। ममता बनर्जी निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? तो ये साथियों तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है, यानी कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है। कौन? ममता बनर्जी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि भारत का अटॉर्नी जनरल किसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो यहां पर अगर बात करें साथियों लोकसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं, राज्यसभा की कार्यवाही में भी, संसद के संयुक्त अधिवेशन में भी भाग ले सकते हैं, यानी कि मैं कहूंगा कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय सदन है? तो साथियों कहां पर द्विसदनीय सदन है? मैं कहूंगा सिक्किम में, नहीं कर्नाटक में, बिल्कुल साथियों तो कर्नाटक में द्विसदनीय सदन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि नहीं है? तो इनमें से कौन सी व्युत्पन्न राशि नहीं है साथियों, मुझे बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों ताप की, तो ताप एक व्युत्पन्न राशि नहीं है। अब नहीं है तो ये क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? ये साथियों मूल राशि है। क्या है साथियों? ये आपकी मूल राशि है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसके एक किलो वाट घंटा संख्यात्मक रूप से किसके बराबर है? तो मैं कहूंगा साथियों किसके बराबर है साथियों, 3.6 × 10^6 जूल के बराबर है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, 6 साथियों घात के रूप में है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? तो साथियों इसकी इकाई क्या है, ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम है, आपका राइट आंसर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, पार्सेक मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई क्या है? तो साथियों यहां पर अगर बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पार्सेक ये लंबाई मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग रखेंगे इसको ध्यान। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, यानी कि वनस्पतियों और जीवों के जीन पुल और आदिवासियों की जीवन शैली के संरक्षण के लिए भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? देखिए और बताइए आपका साथियों यहां पर राइट आंसर क्या हो सकता है। तो अगर आपका जवाब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वनस्पति और जीवों के जीन पूल और आदिवासियों की जीवन शैली संरक्षण के लिए भारत में जो स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि दो पिंडों के बीच संघट में पिंडों पर कुल आवेग ये समान और समान दिशा में होता है या समान और विपरीत दिशा में होता है? मैं कहूंगा समान और विपरीत दिशा में होता है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने पोलियो के टीके विकसित किया था? तो साथियों पोलियो के टीके का विकास किसने किया था? इसको विकसित साथियों जोनास एडवर्ड सॉल्क ने किया था, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। साथियों जो भी आपको यहां पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको तैयार करके अपने एग्जाम हॉल
में जाना है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करके अपने एग्जाम हॉल में चले जाओगे तो मेरा मानना है आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। उसके बाद देखिए, बादलों की गड़गड़ाहट के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होती है? तो साथियों, किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरित होती है? घर्षण ऊर्जा या घर्षण ऊर्जा तो नहीं साथियों, गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। बिल्कुल साथियों, यानी कि गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि 1500 वाट विद्युत गीजर प्रतिदिन 2 घंटे उपयोग किया जाता है, खपत की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो कितनी ऊर्जा साथियों खपत की गई है मुझे बताइए। तो ऊर्जा साथियों आपसे पूछी जा रही है, और ऊर्जा बराबर क्या होता है? शक्ति गुणा समय होता है। क्या? शक्ति गुणा समय होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब समय की अगर बात करें तो 2 घंटा समय है, ठीक है ना। और पावर की अगर बात करें, यानी कि शक्ति की बात करें साथियों, तो 1500 वाट यहां पर एक तरीके से है, ठीक है ना। तो इतनी बात साथियों आपको क्लियर होगी। अब देखिए, ये आंसर किलोवाट किलोवाट ओवर्स में आ रहा है, तो ऐसा करो 1500 वाट को आप किलोवाट ओवर्स में बदल लो। तो साथियों 1500 वाट को जब आप किलोवाट ओवर्स में बदलोगे तो 1000 से आपको भाग कराना पड़ेगी, यहां पर साथियों पॉइंट आ जाएगा। यानी कि अब साथियों आपका क्या हो जाएगा, 1.5 किलोवाट ओवर हो जाएगा आपकी ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा आपको ज्ञात करना है ना, तो ऊर्जा बराबर शक्ति कितनी हो जाएगी, 1.5 kWh, और समय कितना हो जाएगा साथियों, समय 2 घंटे हो जाएगा, यानी कि 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 किलोवाट घंटा ये आपकी क्या हो जाएगी, ये साथियों आपकी ऊर्जा हो जाएगी। और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहां पर ऐसा लिखा हुआ है, 3 किलोवाट ओवर्स, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर साथियों राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए, अब देखिए, अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा खां के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वीणा वादक हैं, ढोलक वादक हैं, तबला वादक हैं या सितार वादक हैं। तो ये तो साथियों तबला वादक है। कौन है ये? ये साथियों तबला वादक हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी परिघटना गुरुत्वीय बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती? तो साथियों सूर्य के परिता होने की गति को समझाया जा सकता है, बिल्कुल, ज्वार भट्टा के होने को भी, किसी वस्तु के भार को भी, लेकिन ग्रहणों का होने को साथियों ये नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अंबुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यानी कि ये मेला कहां पर लगता है? तो मैं कहूंगा ये असम राज्य का मेला है, अंबुबाची मेला जिसका नाम है। यानी कि आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब उसके बाद देखिए, अगला सवाल है साथियों, अगर आपसे देखिए कुछ सवाल यहां पर मैं आपको बतला रहा हूं, वो आप लोग याद रखें। अगर आपसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछे, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। उसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी साथियों असम में ही है, ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, कहा जा रहा है साथियों यहां पर, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो इनका नाम साथियों कौन था, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए, तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में से आंसर आपका क्या होगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, जिनका आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन बटे कूलम्ब है। क्या है साथियों? न्यूटन बटे कूलम्ब है, आप लोग यहां पर मालूम होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अब अगले नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि संविधान की जो प्रारूप समिति थी या मसौदा समिति भी इसको कहा जा सकता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कौन सा है? तो एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल इनमें से कौन सा है? एक पार्टी जो संघीय इकाइयों में से केवल एक में मौजूद है, वो
एक पार्टी जो क्षेत्रीय और सांप्रदायिक विविधता पर आधारित है वो, या एक पार्टी जिसे चुनाव आयोग के द्वारा सभी विशेष अधिकारों और सुविधाओं के साथ मान्यता प्राप्त है वो, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों। यानी कि आपका अगर ये वाला सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आंसर मैंने आपको बतला दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक चालक ठोस गोले पर धनात्मक आवेश होता है, गोले के अंदर विद्युत विभव का गोले की सतह पर विद्युत विभव का अंश होगा तो कितना होगा सातु? एक होगा, डायरेक्ट ये सवाल आएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना निर्देशक सिद्धांत है, समान न्याय करना निर्देशक सिद्धांत है, और श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी ये भी निर्देशक सिद्धांत, लेकिन व्यवसाय और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता ये निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोध क्रमशः कैसे कैसे होते हैं? तो साथियों एमीटर की अगर बात करें, अमीटर का तो साथियों कैसा होता है, शून्य होता है, आदर्श अमीटर का और आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है, तो शून्य और अनंत कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये तो साथियों कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है साथियों सिरकी जलप्रपात? अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा रवि की फसल का उदाहरण है? तो इनमें से रवि की फसल की जब हम साथियों बात करते हैं, इनमें से रवि की फसल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो जो गेहूं है ना, गेहूं ये क्या है साथियों? ये रवि की ही तो फसल है। क्या है साथियों? रवि की ही तो फसल है। उसके अलावा अगर खरीफ की फसल की बात करते हैं तो चावल खरीफ की फसल है। उसके अलावा मक्का जो है ना, मक्का ये खरीफ की फसल है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, क्या साथियों? ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, ये सब के सब साथियों खरीफ की ही फसल होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र इसके माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा से स्वतंत्र होते हैं? नहीं, चालक की लंबाई से स्वतंत्र होते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो मैं कहूंगा हापुड़ आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, एक चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाता है, यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, ये सातों बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का है, कह रहे कि ऊर्जा स्तर डायग्राम में चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच का पृथक्करण क्या होता है? तो साथियों क्या होता है, क्या होगा आपके सवाल का जवाब, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। तो अगर ये सवाल है साथियों तो निषिद्ध ऊर्जा अंतर आपको बता देना, क्या निषिद्ध ऊर्जा अंतर आपको आंसर बता देना है। ग्रहीय गति की जब हम बात करते हैं तो ग्रहीय गति कुल कोणीय संवेग नियत रहता है ग्रहीय गति में, या कुल रैखिक संवेग नियत रहता है? नहीं साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, कुल कोणीय संवेग नियत रहता है किसमें? ग्रहीय गति में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से किस स्थिति में ओम का नियम मान्य नहीं है? तो मैं कहूंगा तारबद्ध प्रतिरोधक की स्थिति में तो साथियों ओम का नियम मान्य है, विभव मापी में भी है, लेकिन जंक्शन डायोड में नहीं है। देखिए इन प्रश्नों की जब हम बात करें ना, तो ये प्रश्नों में रत्ती भर का साथियों चेंज नहीं होगा, जैसे आपको दिखाए जा रहे हैं लगभग लगभग वैसे ही साथियों आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि धनात्मक बिंदु आवेश के कारण समविभव सत्वों में किसका आकार होता है? तो साथियों किसका आकार होता है? केंद्र पर आवेश के साथ संकेंद्रित वृत्त का, आवेश से निकलने वाली सीधी रेखाओं का, आवेश केंद्र में आवेश के साथ संकेंद्रित गोले का, मैं कहूंगा बिल्कुल, यानी कि आंसर आपका इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। विद्युत आवेशों के बीच के बल को संचालित करने वाला नियम को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों कूलम्ब का नियम कहा जाता है। क्या? यानी कि विद्युत आवेशों के बीच के बल को संचालित करने वाले नियम को कूलम्ब का नियम कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि निश्चित आवेश से निकलने वाले बल की रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? विद्युत अभिवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? विद्युत अभिवाह कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि यदि दो रुक्ष सतहों को पॉलिश किया जाता है और संपर्क में रखा जाता है तो उनके बीच घर्षण बल जो होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों उनके बीच घर्षण बल घट जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ के निकट परिक्रमा के लिए सत्य है? तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या होगा, उपग्रह की गति अधिकतम है बिल्कुल, पृथ्वी और उपग्रह प्रणाली की कुल ऊर्जा न्यूनतम है बिल्कुल, उपग्रह का आवर्तन काल न्यूनतम है बिल्कुल, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो कौन सा उपग्रह पृथ्वी के पृष्ठ के निकट परिक्रमा के लिए सत्य है? तो मैं कहूंगा साथियों ये तीनों है, इसलिए राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि आवेशों की एक प्रणाली के कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं स्पर्श रेखीय दिशा में होती हैं जो एक समविभव पृष्ठ के संबंध में होती है। मैं कहूंगा नहीं साथियों, लंब दिशा में होती है। क्या? लंब दिशा में होती हैं जो एक समविभव पृष्ठ के संबंध में होती हैं। उसके बाद देखिए पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की भिन्नता क्या है? तो साथियों त्वरण की भिन्नता क्या है, यह ऊंचाई में वृद्धि के साथ घटती है। बिल्कुल सही साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि अति उच्च आवृत्ति बैंड में ध्वनि संचारित करने के लिए रेडियो तरंगों का क्या साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं तो यहां पर सेल्यूलर फोन आना चाहिए, यानी कि सेल्यूलर फोन अति उच्च आवृत्ति बैंड में ध्वनि संचारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो ये सभी साथियों टॉप लेवल के आपने क्वेश्चंस देखे। तो मैंने आपको साथियों बताया था कि अगर आप वाकई में एसएससी एमटीएस के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए अंतिम समय में, जब साथियों अंतिम समय है ना आपका, तो उसमें आपके लिए दो पीडीएफ तैयार की गई हैं। पहली पीडीएफ साथियों आपको दी जाएगी जैसे आपके एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन है तो साथियों वो पेपर्स आपको दिए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है ये। उसके अलावा साथियों जनवरी से लेकर अगस्त तक की करंट अफेयर आपसे पूछी जा रही है, लगभग सारे सवाल इसमें सही हैं 2024 के, तो ये आपको साथियों वन लाइनर प्रकार से दी जाएगी। क्या? ये पीडीएफ अलग से दी जाएगी वन लाइनर प्रकार से, ठीक है ना। और इसमें साथियों मैथ भी है, रीजनिंग भी है, उसके अलावा जीएस भी है, और उसके अलावा साथियों इंग्लिश भी आपकी है सोल्यूशन के साथ। जैसे क्वेश्चन होगा ना उसके नीचे उसका सोल्यूशन, फिर क्वेश्चन होगा उसके नीचे उसका सोल्यूशन, कहीं और जाने की आपको भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ ₹45 में दी जा रही है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को साथियों प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले पहले साथियों सरसरी निगाहों से एक बार इस पीडीएफ को देखकर चले जाएंगे, मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।